हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी ट्यूब प्रयागराज। मैं अनुपमा चौहान आप सभी को टैली ईआरपी 9 विद जीएसटी के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में आज मैं आप लोग को कुछ बेहद इंटरेस्टिंग जानकारियां देना चाहूंगी। मैं बताना चाहूंगी उसमें आपको जो है क्या क्या सीखना है, कैसे कैसे सीखना है। वैसे तो दोस्तों, इससे पहले की लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया कि इसमें आप टैली पे कैसे काम करते हैं, टैली कैसे खोलते हैं, टैली दिखता कैसे है, टैली पे कंपनी कैसे बनाते हैं, यहाँ तक कि टैली में आपको क्या क्या सीखना होता है एज अ सिलेबस, मैंने आपको वो भी सारा कुछ बताया। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे अभी भी टैली खोला हुआ है हम अपनी कंपनी, लेकिन अभी तक इसमें कोई वाउचर एंटर नहीं है। अब वाउचर इसलिए इसमें एंटर नहीं है क्योंकि दोस्तों आप लोगों को ये भी तो जानना चाहिए कि वाउचर में एंट्री कराने के लिए हमें कैसे क्या करना होता है। अब मान लीजिए जैसे कि आपको वाउचर में एंट्री करानी ही है तो आपको क्या होता है, लेजर्स बनाने होते हैं, यानी कि खाते तैयार करने होते हैं। अब वो खाते तैयार करने के भी कुछ कायदे कानून होते हैं, यानी कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हम आज के डे टू डे लाइफ में अगर कोई भी चीज सीखते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हर काम का छोटा बड़ा कोई ना कोई रूल्स और रेगुलेशन होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है। इसीलिए हम यहाँ टैली ईआरपी 9 पे काम करने से पहले अकाउंट्स की कुछ बेसिक जानकारियां लेना जरूरी हो जाता है आपके लिए। अब मान लीजिए जैसे आप लोगों ने लाइफ में जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर चलाया होगा तो कंप्यूटर के बारे में छोटी मोटी बेहद बेसिक जानकारी तो कहीं ना कहीं से ली ही होगी, तभी तो आपने काम करना शुरू किया होगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि आपने कंप्यूटर खोला और सीधे आके बैठ गए, ऐसा थोड़ी ना होता है कि नहीं। इसीलिए हमको क्या करना होता है कि हमको हर चीज के जो भी काम करते उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे गेटवे ऑफ टैली है, और गेटवे ऑफ टैली है जिसमें हमको सबसे पहले क्या जानना है, अकाउंट्स इन्फो। अब देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली पे जो हमारा पहला काम ही यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो का दिया है। अब सोचिए जो पहला काम ही अकाउंट्स इन्फो का दिया है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हमें अकाउंट्स के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि अकाउंट्स इन्फो आके उसमें हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। अकाउंट्स इन्फो पे आप इस तरह कर्सर लेके जाएंगे, वहां पे एंटर कर देंगे और यहाँ जा करके आप लेजर्स बनाते हैं। ठीक है, अब लेजर्स बनाने के लिए आपको तो पता ही नहीं है कि हम क्या लेजर्स बनाएं, कैसे हम बनाएं, यहाँ तो आकर आप फंस गए है कि नहीं। तो ऐसे परेशानी से बाहर निकलने के लिए हमको बहुत जरूरी हो जाता है ये जानना कि खाते होते क्या है और खाते हम बनाते कैसे हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, बिना मेहनत को तो आप जानते हैं आज की लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी पाना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे फिर आपको यहाँ पे क्या करना होगा और कैसे आप सीखेंगे। ये देख सकते हैं मैंने आपने स्क्रीन पर यहाँ पे अकाउंट्स को खोल लिया। ठीक है दोस्तों, वैसे तो जो है यहाँ पे जो अब मेरे अकाउंट्स के बारे में कुछ कंटेंट्स आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट और बेहद खास बातें यहाँ पे मैंने मेंशन की है स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट्स टॉपिक मैंने दिया है जिसके बारे में मैंने कुछ बहुत ही खास जानकारी दी है। हमारा ये जो अकाउंट्स है ये हमारा क्या कहते हैं, ये एक तरह का बिजनेस लैंग्वेज है। ठीक है, बिजनेस लैंग्वेज, आप जानते हैं हम कोई भी काम करते हैं तो हर चीज की हमें बहुत सारी जानकारियां होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं यानी कंप्यूटर से हम अपना कोई भी काम करते हैं तो उसको चलाने के लिए हमको जैसे जानकारी की जरूरत होती है, वैसे टैली ईआरपी 9 को चलाने के लिए भी हमको अकाउंट्स की थोड़ी नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि अकाउंट्स एक तरह का बिजनेस लैंग्वेज है, बिजनेस मतलब व्यापार। ठीक है, व्यापार अब जरूरी नहीं है कि जो बड़े बड़े बिजनेस की बिजनेसमैन की ही बातें की जाए। ठीक है, व्यापार तो आप किसी से भी छोटी बड़ी बात चीजों से हो सकता है, जैसे कि अगर आप चाय का भी स्टॉल लगाते हैं तो वो भी तो आपके लिए छोटा सा बिजनेस ही हुआ ना। क्यों? क्योंकि आप उससे आपकी इनकम आ रही है। ठीक है, आपके उससे जरूरतें पूरी हो, आप उससे अपने फैमिली को चला पा रहे हो, उससे आप पैसे कमा पा रहे हो। ठीक है, जिस चीज के भी थ्रू आपके पैसे कमा पाते तो वही हमारे लिए क्या होता है, बिजनेस के रूप में हम उसे देखने लगते हैं। ठीक है, अब बिजनेस के भी अपने कुछ कायदे कानून होते हैं, बिजनेस के भी अपनी एक भाषा होती है। अब भाषा का ये मतलब ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा कि भाषा मतलब जैसे हम हिंदी इंग्लिश लिखते तो क्या बिजनेस का भी ऐसा कोई भाषा तो नहीं, नहीं, नहीं है। मैं बता दू ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मतलब एक दूसरे तरह से, अलग तरीके से इसका कहने का मतलब है, जैसे कि ये जो बिजनेस की जो भाषा है, ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स ने इसको डिफाइन किया है। इसकी व्याख्या जो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स ने की, जिसे हम AICPA के नाम से भी जानते हैं, मतलब उसके शॉर्ट फॉर्म में भी जानते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है कुछ इस तरह से अकाउंट्स की व्याख्या की। उन्होंने कहा है कि जो हमारा अकाउंटिंग है, ये एक तरह का कला है। कैसी कला? किस चीज की कला बता दें? तो कला आपकी रिकॉर्ड को बना के रखनी। किस चीज की रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए कि आपने जो भी लेन देन की जानकारियां हैं उसको एक जगह व्यवस्थित ढंग से मौजूद करके रखने को ही हम लोग आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, मान के चलिए जैसे आप घर में भी खर्चे कर रहे हैं। ठीक है, आप घर खर्च चला रहे हैं, रोजमर्रा कुछ ना कुछ जरूरत की चीजें खरीद के ला रहे हैं। ठीक है, आप पूरे महीने का अगर आपको बजट देखना, तो आप कैसे जानेंगे? क्या आप, कैसे आपको पता चलेगा कि आप पिछले दिन क्या हुआ, उससे पहले दिन क्या हुआ, उसके एक हफ्ते पहले क्या, ये सारी बातें आप याद रख पाएंगे एक समय में? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पुरानी से पुरानी बातों को भी, जो भी हमने खर्चे किए हैं उसको याद रखने के लिए उसको कहीं लिख के रखते हैं, जिससे कि हम पूरे महीने के आखिरी में हम ये जान सके कि हमने इस पूरे महीने के दौरान कितना खर्चा किया, क्या किया, कहाँ पैसा आया, कहाँ से पैसा गया, ये सारी जानकारी। उसी को हम लोग आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कहते हैं या समराइजिंग कहते हैं। क्लासिफाइंग इन द सीक्वेंस ऑफ मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब आप अपने पैसे की जो भी लेन देन की पूरी जानकारी उसको एकदम अच्छे से व्यवस्थित ढंग से जब दर्ज करा के एक जगह पे रखते हैं, तो उससे आपको पता चलता है, आपको अपने पैसे की असली वैल्यू पता चलती है। क्यों? क्योंकि आप जान पाते हैं कि हमने कितना खर्च किया, हमको कितना खर्च करना चाहिए था और हमने कितना खर्च किया। हमने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया, या हमारा बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, या हमने कुछ बचत भी की। ये सारी जानकारी हमको कैसे मिलेगी? आखिर इसी आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंट्स के माध्यम से, यानी इसी अकाउंट के मीडियम के थ्रू ही हमको पता चलता है कि नहीं? तो वही चीजें आपको अपने टैली ERP 9 पे करनी, यही चीज आपका अकाउंट्स है। ठीक है, इसी को हम अकाउंट्स कहते हैं। जो लोग कॉमर्स नहीं जानते, क्या उनको छोटी मोटी क्या जो भी अकाउंट्स की जानकारियां डिटेल्स होती हैं उसको रिकॉर्ड करके रखना उनको नहीं आता? बिल्कुल आता है। एक मामूली सी जो हाउस वाइफ होती है उसको भी पता है कि महीने का खर्चा हम हो रहा था, हमको कैसे लिख के रखना है, है कि नहीं? तो इसमें घबराने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए, अगर सारी चीजों को बहुत अच्छे से सोचा जाए, ऐसे डे टू डे लाइफ की एग्जाम्पल को एक साथ इकट्ठे करके देखा जाए, तो आपको समझ में आएगा कि ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अपने डे टू डे लाइफ से ही इसको जोड़ के, इसको कनेक्ट करके देखिए, तब आपके लिए अकाउंट्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स, इनके बारे में जो भी आपके जानकारियां वगैरह होती हैं, वो सारा कुछ कैसे किस तरह से मेंटेन करके चलते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये अकाउंट्स किस तरह से काम करता है। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस मतलब कि लेन देन, ठीक है, जर्नल, जर्नल मतलब जो आम तौर पे होने वाले सारे खर्चे होते हैं उनकी जानकारियां, लेजर्स, लेजर्स को भी हम लोग खाते के रूप में ही देखते हैं, यही चीज आपको टैली ERP 9 में क्रिएट करनी होती है। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस आपको प्रॉफिट और लॉस बताता है, इनकम और गेन बताता है, जिसके थ्रू आपको ये पता चलता है कि आपने पूरे महीने के दौरान जितने भी पैसे आपने खर्च किए उसमें आपने कितना खर्च किया, कितना नुकसान हुआ, कितना मुनाफा हुआ, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, ये सारा कुछ। ठीक है, तो ये सर्कल, ये जो साइकिल है आपका, ये चलता ही रहता है। यही एक अकाउंट्स, एक्चुअल में यही अकाउंट्स होता है। ठीक है, अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो हमारे जो AW जॉनसन जी जो हैं, उनके अकॉर्डिंग कहना यह है कि जो अकाउंटिंग है वो एक तरह का कलेक्शन है,
कंपाइलेशन है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। कहने का मतलब ये है कि जो आपका अकाउंटिंग है वो एक तरह का सारे जानकारियों को एक जगह इकट्ठे करके रखता है, उसको जो है उसमें सारे जो भी खर्चे होते हैं, नुकसान होते हैं, प्रॉफिट लॉस होता है, वो सारा कुछ ढूंढ के निकालना, उसको बताना होता है। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग मतलब सिस्टमैटिक बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन, जितने भी लेन देन करते हो पैसे के रूप में, उसको जो है बहुत ही अच्छे से उसको मेंटेन करके रखता है। यही कहना है A.W. जॉनसन जी का। ठीक है, यहाँ पे जो आपका अकाउंट्स है आपके छोटी से छोटी, यहाँ देख सकते हैं मैंने आपको बताया है कि अकाउंट्स इज रिलेटेड टू ईच एंड एवरी सिंगल फिनोमेना विच हैव एनी काइंड ऑफ वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि आप डे टू डे लाइफ में जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खर्चे करते हैं उन सब की जानकारियां ही आपके अकाउंट्स है। अब अगर आप एक पेंसिल भी खरीदते हो तो मान लीजिए पेंसिल कितने में आएगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 4 या 5 रुपए में। लेकिन अगर यही 4-5 रुपए आप कहीं लिख करके यही खर्चा नहीं रखोगे तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बता दूं दोस्तों, जब बात पैसों की आती है तो एक एक पैसा जो कहते हैं 0.1 पैसा जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उतना ही भी हम लोग चूक जाए दर्ज करने से, लिखने से, या कहीं उसको रिकॉर्ड करके रखने से, तो क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता है कि नहीं। आप जानते हैं हम अपने लाइफ कितनी मेहनत से हम पैसे कमाते हैं, और जितनी मेहनत से हम पैसे कमाते हैं उतना ही हमको सोच समझ के उस पर खर्च करना होता है। तो सोचिए दोस्तों, जब हमारी लाइफ इतना कुछ है तो जब हम बिजनेस कर रहे हैं या कहीं काम करें उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम हमारे पैसे का पूरा हिसाब किताब रिकॉर्ड करके रखें, उनको पूरा सही जानकारी दें। एक भी हमारा पैसा इधर से उधर हो रहा है तो उसकी पूरी जानकारी हो, कोई भी गड़बड़ी ना हो, है कि नहीं। अगर इतनी सी चीजें चूक हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि नहीं। अब बात करते हैं कि जो हमारा अकाउंट्स है वो कितने प्रकार का है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने अपने स्क्रीन पर आप लोग के लिए एक डेटा तैयार करके रखा है जिसमें मैंने आप लोग को बताया है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, मतलब कितने प्रकार के आपके अकाउंट्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अपने स्क्रीन पर ये पर्सनल अकाउंट, 3 तरह के अकाउंट्स मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया, पर्सनल अकाउंट, उसके बाद आता है आपका ये रियल अकाउंट, फिर उसके बाद आता है आपका ये नॉमिनल अकाउंट। ये देख सकते हैं, चलिए हमारा स्क्रीन थोड़ा सा पीछे हो गया है, कोई बात नहीं, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जरा सा नंबर डालने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, वो तो किसी से भी हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। हाँ, तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो टाइप्स ऑफ अकाउंट हैं, ठीक है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये 3 टाइप के हमारे अकाउंट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट होता क्या चीज है, तो पर्सनल अकाउंट के बारे में आपको बताना चाहूंगी। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है व्यक्तिगत खाता। ठीक है, अब व्यक्तिगत खाता क्या होता है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, व्यक्तिगत खाता वो होता है जो किसी भी व्यक्ति विशेष का, यानी किसी भी पर्सन या पीपल का, ठीक है, उसका अपना हो, मतलब किसी ग्रुप का। जैसे अगर 4-5 लोग है तो वो भी एक ग्रुप हुए ना, अब उन ग्रुप का भी जो उनका अपना हो वही पर्सनल अकाउंट कहलाता है। अब जैसे मैं हूँ या आप हैं, आपका जो भी अपना खाता है, ठीक है, वो पर्सनल अकाउंट हुआ। ठीक है, चाहे फिर वो ग्रुप का हो, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन का हो, या फिर किसी भी व्यक्ति विशेष यानी किसी भी पीपल या पर्सन का हो। ठीक है, इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आप लोग को बताए हैं, देख सकते हैं, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, डेब्टर्स, बैंक, फर्म। फर्म क्या होता है, तो फर्म आपके छोटे बड़े जो कंपनियां होती, जो फैक्ट्रीज होते हैं, उसको हम फर्म्स के नाम से भी जानते हैं। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल आप लोग के लिए यहाँ पर पूंजी होता है। ठीक है,
अकाउंट्स की भाषा में हम लोग जब पूंजी यानी कि जो निवेश जो अपने बिजनेस नए नए व्यापार को चलाने के लिए जो हम पैसे खर्च करते हैं उसे हम लोग पूंजी निवेश के रूप में देखते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल का नाम देते हैं। ठीक है, कैपिटल। फिर यहाँ पे देख सकते हैं पर्सन नेम, ये सारा कुछ आपका पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। ठीक, आई होप कि पर्सनल अकाउंट आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो फिर से मैं एक बार फिर से मैं आप लोग को दोहराना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता वो जो किसी व्यक्ति विशेष यानी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या पीपल का हो, जो उसका अपना हो, उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं हूं या आप हैं या कोई भी व्यक्ति है, उसका अपना जो खाता होगा उसे वो पर्सनल अकाउंट के रूप में ही देखेगा। ठीक है, या फिर किसी ग्रुप का हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या किसी इंस्टीट्यूट का हो या किसी इंस्टीट्यूशंस का हो, ठीक है, उनका जो भी अपना खाता होगा उसी को वो उनके लिए क्या हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा। जो पर्सनल होगा वही पर्सनल अकाउंट के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पर्सनल अकाउंट के रूल के बारे में। अब अकाउंट से तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआती दौर में स्टार्टिंग में ही आप लोग को मैंने बताया था कि पर्सनल अकाउंट आखिर होता क्या चीज है। पर्सनल अकाउंट्स पे आप अगर आप काम करते हैं तो उसके कुछ कायदे कानून होंगे, तो वही कायदे कानून पे अब हम आ जाते हैं यानी कि रूल्स और रेगुलेशंस पे। ठीक है, अब उसी रूल्स और रेगुलेशन की बात करते हैं। जो पर्सनल अकाउंट है उसका रूल है डेबिट इज द रिसीवर क्रेडिट इज द गिवर, मतलब डेबिट वो जो प्राप्त करता हो क्रेडिट वो जो देता। ठीक है, जो देगा वो क्रेडिट में आ जाएगा और जो पाएगा वो डेबिट में आ जाएगा। बस ये सिंपल सा ये रूल है। ठीक है, इस रूल को अकाउंट्स में और बिजनेस और कॉमर्स के लैंग्वेज में अकाउंट्स की लैंग्वेज में हम लोग गोल्डन रूल के नाम से भी जानते हैं। समझ गए आप लोग, गोल्डन रूल्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी के बेसिस पे आपका पूरा अकाउंट्स अच्छे से सर्कुलेट होता है, पूरा अकाउंट्स इसी पे डिपेंड करता है और पूरा अकाउंट्स आप इसी के बेसिस पे इसी के आधार पे आप उसमें अपनी एंट्रीज बनाते हो और काम करते हो। ठीक है, अब रूल तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अभी नहीं भी समझ में आया तो फिर से एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये रूल क्या होता है। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दे रखा है। कहते क्या है कि राम गिवन रुपीज 2000 टू मोहन, मतलब राम ने मोहन को 2000 रुपए दिए। ठीक है, अब राम ने मोहन को 2000 रुपए दिए। अब यहाँ पे हम पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं। पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाता, और उसका अपना रूल कहता क्या है कि जो प्राप्त करता है यानी कि जो रिसीव करता है वो डेबिट होता है, और जो गिवर है यानी कि जो देता है जो गिव करता है, ठीक है, वो जो है क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कहता क्या है कि राम ने मोहन को पूरे 2000 रुपए दिए। ठीक है, तो अब किसने दिए और किसने प्राप्त किए, तो आप देख सकते हैं साफ साफ कि राम ने जो है पैसे दिए यानी कि राम देने वाला व्यक्ति हो गया, और मोहन जो कि है वो प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो गया। तो रूल के हिसाब से राम यहाँ पे हो जाएगा आपका क्रेडिट और आपका मोहन जो है वो हो जाएगा आपका डेबिट। ठीक है, और जब हम इसकी एंट्री बनाएंगे तो इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। देख सकते हैं राम आपको जो है यहाँ पे हाँ, तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो मोहन जो है आपका क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और राम जो कि है आपका क्रेडिट हो रहा है। राम यहाँ पर क्रेडिट क्यों हो रहा है ये भी देख लीजिए। आपका जो लिखने का तरीका है मैं आपको बता दूं, जब हम डेबिट क्रेडिट जैसी जानकारी हम दर्ज कराते हैं तो हमको एक छोटी सी बातों का ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, जो कि डेबिट जो हमारा है हमेशा वो लेफ्ट साइड आता है यानी कि वो हमारा बाएं साइड आता है। ठीक है, और क्रेडिट जो कि है हमारा वो हमेशा दाहिने साइड, इसीलिए मैंने इसको वेरिएशन करने के लिए इस तरह से मैंने थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर दिया। ठीक है, ताकि आप लोग को आसानी से ये बात समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ पे एक डिजिट थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया है, इसको हम सही भी कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये हाँ, तो जो मैंने डेटा तैयार किया इसमें जो मोहन है यानी कि जो हमारा प्राप्त करने वाला है उसने 2000 रुपए जो है यहाँ पर प्राप्त किए हैं, और जो राम जो कि है
हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मोहन जो की है वो कि प्राप्त करने वाला है, यानी कि वो डेप्टर है। तो उसके सामने हमने डेबिट लिखा है, और जो राम यहाँ पर है वो हमारा क्रेडिटर है क्योंकि वो देने वाला है, इसीलिए हमने उसके सामने यहाँ पे 2000 लिखा है। अब क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हमारा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है उसके बारे में आपको अपने डेटा में दिखाती हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो हमारा पर्सनल अकाउंट है इसमें हमारे रूल के बेसिस पे, ठीक है, हमारे रूल्स के बेसिस पे डेबिट क्या कर रहा है, रिसीव करने वाला है, और क्रेडिट क्या है, गिवर है, ठीक है, जिसमें हमने जाना कि राम जो है देने वाला है और मोहन प्राप्त करने वाला है, यानी कि हमारे रूल के हिसाब से राम क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, राम यहाँ पे हमारे लिए क्रेडिट हो जाएगा, और जो कि मोहन है वो हमारे लिए यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। और जितना अमाउंट, यानी कि जितनी पैसे, जितने रुपए इन्होंने दिए या लिए, उतना हम इनके सामने सामने दिखा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इस प्रश्न में, जो हमारे एक क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या कहा, पैसे की कहीं बात नहीं की, मतलब ये नहीं कहा कि राम ने इतने कैश दिए। अब क्योंकि जब एंट्री हम चढ़ा रहे हैं, हालांकि बात तो पैसे की ही हो रही है कि हमने इतने रुपए दिए, पर आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों ही जगह पर जो है व्यक्तियों का नाम दिया है, ना कि मैंने इसमें पैसे की बात की है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे, जब आगे की दो रूल्स आप पढ़ लेंगे, उसको आप जान लेंगे, समझ लेंगे, तब उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो राम और मोहन मैंने क्यों दिया है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि कोई भी सामान खरीदते हैं तो पूरा पूरा पैसा एक बार में नहीं चुकाते हैं, मतलब पूरा का पूरा कैश एक बार में नहीं देते हैं, ठीक है। जितना एक टाइम पे, मतलब जैसे अगर 2000 का माल लेके गए और उन्होंने अगर 1000 ही चुकाया, तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, उनका नाम वहां पे दर्ज करा देते हैं, यहाँ जो टैली ERP 9 है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उनका नाम दिखा देते हैं, और जितना वो पे किया रहता है उतना हम उसको अलग से शो करा दिए देते हैं, कुछ इस तरह से हम काम करते हैं। लेकिन जब हम एंट्री में चढ़ाते हैं, क्योंकि जब इनका उधारी का किस्सा हो या फिर ये ना बताया गया कि इन्होंने तुरंत पैसे दिए, तब यहाँ पे हम लोग दोनों लोगों का नाम चढ़ा देते हैं, उनके सामने जितना भी संख्या आता है, जितना भी पैसे उनका बनता है उतना हम वो शो करा देते हैं। ऐसा करने से ये होता है कि आगे के समय में जब भी हम इनके खाते को दोबारा से देखते हैं या चेक करते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि इन्होंने हमको एक समय पर पूरा पैसा नहीं दिया है, और इनसे अभी भी हमारा कुछ ना कुछ हिसाब किताब लेन देन अभी भी बाकी है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है नाम दे देते हैं पैसे दिखाने के बजाय, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, ये तो हो गई आपकी पर्सनल अकाउंट की बातें, आ जाइए यहाँ पर। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे अकाउंट के बारे में, यानी कि रियल अकाउंट के बारे में। रियल अकाउंट क्या होता है तो वो भी जानते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं रियल अकाउंट, ठीक है। जो आपका रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट क्या होता है, रियल का मतलब होता है जो वास्तविक में हो, ठीक है, मतलब ये अगर अकाउंट्स की बात करें तो वास्तविक खाता। अब वास्तविक खाता क्या चीज होता है वो भी जान लीजिए। तो रियल अकाउंट वो होता है जिसे आप हकीकत में देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसका भार या उसकी वैल्यू को आप नाप तोल सकते हैं, उसे ही हम रियल अकाउंट के रूप में देखते हैं, या यूं कह सके तो उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। रियल अकाउंट जो कि है उसके कुछ हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, कैश हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जिसे हम लोग वास्तविक रूप में देख सके, छू सके, महसूस कर सके, वो सारा क्या हो जाता है हमारे लिए, रियल अकाउंट। अब जैसे दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपने एक लैपटॉप खरीदा है तो लैपटॉप क्या हो जाएगा आपके लिए, रियल अकाउंट, क्यों, क्योंकि आप उसको देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कि आप ये भी बता सकते हो कि आपने उसे कितने में खरीदा या कितने में आपने उसको बेचा, तो ये आपके लिए रियल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। आइए अब बात करते हैं इनकी, इसकी एग्जाम्पल्स की, इसके रूल्स की, ठीक है। तो जो इसका रूल्स है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब जो रियल अकाउंट है इसका भी हमने रूल यहाँ पर मेंशन किया, ठीक पर्सनल अकाउंट की तरह। जो रियल अकाउंट का रूल है वो कहता क्या है,
व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, मतलब क्या आया वो डेबिट, क्या गया वो क्रेडिट। अब जैसे मान लीजिए हम मार्केट गए और मार्केट जाके हमने किताब खरीदी, ठीक है, किताब खरीदी, बदले में आपने क्या किया, पैसे दिया, ठीक है, और क्या लेके आए, किताब लेके आए, तो आपके पास क्या आई, किताब आई। तो जो यहाँ पे हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के रूप में आप किताब को देख सकते हो, छू सकते हो, उसके बदले आप पैसे दे करके आए हो, तो ये क्या हो गया आपके लिए, रियल अकाउंट हो गया। और ये हमारे इस रूल को पूरी तरह से फुलफिल करता है, यानी कि व्हाट कम्स इन डेबिट, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका जो कहता क्या है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, आपने जो किताब मार्केट से खरीद के लाया उसके बदले में आपने क्या चुकाया, कीमत चुकाई, यानी कि कैश दिया, तो कैश क्या हो गया आपके पास से चला गया, तो वो क्या हो गया आपके लिए, क्रेडिट हो गया। आई होप दोस्तों कि आपको ये रूल अच्छे से समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, क्या आया वो डेबिट, क्या गया वो क्रेडिट, ठीक है, मतलब जो भी कुछ हमारे पास आता है वो डेबिट हो जाता है और जो भी कुछ हमारे पास से जाता है वो क्रेडिट होता है। और ये रियल अमाउंट में आने जाने की बात तो हो गई, लेकिन जिसे वही चीज होनी चाहिए जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, और उसकी अपनी कोई ना कोई वैल्यू हो, कोई ना कोई उसकी कीमत हो, ठीक है। आ जाइए अब यहाँ पर हमारा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमारा कुछ इस तरह से है, कहता क्या है कि मोनू ने एक फर्नीचर खरीदा, वो भी कैश के माध्यम से, मोनू ने जो है फर्नीचर खरीदा कैश के माध्यम से, यानी कैश मुद्रा पैसे, ठीक है, दे करके, कितना, 6,000 रुपए दे करके खरीदा, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जो है फर्नीचर खरीद के लाए हो और बदले में आपने क्या दिया, पैसे दिया, यानी कि उसकी कीमत चुकाए, तो फर्नीचर भी आप उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसकी अपनी भी भार होगी, उसकी अपनी भी कुछ ना कुछ उसके पैसों के रूप में वो आपने उसका मूल्यांकन किया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे उसका मूल्य बताया गया 6,000 रुपए। अब क्योंकि आप फर्नीचर लेकर आए हो तो फर्नीचर आपके लिए क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, क्यों, रियल अकाउंट का रूल कहता है ऐसा, ठीक है, और बदले में आपका कैश गया, ठीक है, तो कैश आपके लिए क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, ये भी आपके रियल अकाउंट, रियल अकाउंट्स के रूल के मुताबिक है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के रियल अकाउंट आपके वास्तविक खाता से ही जुड़ी होती है, जानकारियां होती है, और ये जो रूल है इसे भी हम लोग गोल्डन रूल में ही कहते हैं। अब आप लोगों को जैसे शुरुआत में ही बताया था कि अकाउंट्स आपके 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है दोस्तों, तो पर्सनल अकाउंट आपने समझ लिया, जो व्यक्तिगत खाता, तो उसके रूल भी व्यक्तिगत ही जैसे होने चाहिए, ठीक है। रियल अकाउंट, उसमें आप ये देखते हो कि वास्तविक खाता क्या चीज वास्तविक है, ठीक है, क्या आता है क्या जाता है, उसके रूल भी उसी पे आधारित होते हैं। अब बात करते हैं तीसरा और आखिरी रूल, आखिरी टाइप के बारे में, यानी कि नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में। तो यहाँ पे आपका नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है, तो मैं बता दूं, नॉमिनल अकाउंट यहाँ पे एक तरह का जनरल लेजर अकाउंट होता है। जनरल लेजर अकाउंट इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, ये सारे कुछ उसमें एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। अगर सीधी सी बात से हमें बोले, अगर जिसको बहुत ज्यादा नहीं थ्योरी पे जाना है, थ्योरी नहीं समझ, तो इतना समझ लीजिए, जो पर्सनल और रियल अकाउंट में जो जाने से बच जाता है वो सारा कुछ आपके नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है। एक तरह से मैं बता दूं कि नॉमिनल अकाउंट का जो खाता होता है, ये खाता आपके बैंक के अकाउंट में ज्यादातर आपको रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई देगा, यानी कि बैंक अकाउंट में जो आपका खाता होता है उसके माध्यम से इसको समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट के भी कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे, डिस्काउंट, कमीशन, एक्सपेंस यानी खर्चे, रेंट, किराया, सैलरी, वेजेस यानी पर डे जो सैलरी पे की जाती है, ये सारा कुछ क्या हो जाता है आपके लिए, नॉमिनल अकाउंट्स हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि आपने पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के रूल्स के बारे में जाने, वैसे ही अब हम नॉमिनल अकाउंट के रूल के बारे में जानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है आपसे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, मतलब कि जितने भी खर्चे और नुकसान होंगे वो डेबिट हो जाएंगे और जितने भी इनकम और गेन्स होंगे वो क्रेडिट हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रूल तो बड़ा अजीब है, अजीब क्यों है ये,
ऐसा क्यों कहा उसने कि जितने भी खर्चे होंगे नुकसान हो जाए वो हो जाएंगे, वो सारे डेबिट हो जाएंगे। भला खर्चे और नुकसान में हमारी क्या प्राप्ति है? क्योंकि डेबिट का मतलब ही होता है प्राप्त करना और क्रेडिट का मतलब होता है देना। अब ऐसे सिचुएशन में खर्चे में हमने क्या प्राप्त किया और जो लॉसेस हुआ उसमें हमने क्या प्राप्त किया? तो मैं आपको बता दूं, खर्चे जो भी आते हैं अगर आप उसे बिजनेस के रूप में देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जितने भी खर्चे हो रहे होते हैं वो अपने आप अपने लिए ही कर रहे होते, मतलब अपने बिजनेस के लिए ही कर रहे होते। अगर आप खर्चे करोगे नहीं तो आप बिजनेस को आगे बढ़ाओगे कैसे, आप बिजनेस चलाओगे कैसे? तो बिजनेस चलाने के लिए खर्चे करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जब बिजनेस आप चला ही रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपको हर वक्त प्रॉफिट ही हो या आपको मुनाफा ही हो या खर्चे ही आपके चलते जाए और उसमें आपको कुछ ना आए ना कुछ जाए, ऐसा तो होता नहीं है ना। मान लीजिए कभी कभी ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं जब आप कोई चीज बेच रहे हो या कुछ खर्चा कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए, आप बाजार गए सब्जी खरीद, ठीक है, आपने 1 किलो टमाटर लिया, उस 1 किलो टमाटर में 2-3 टमाटर ऐसे निकले जो सड़े हुए निकल गए, खराब निकल गए, तो आपके लिए क्या हुआ? लॉस हुआ, मतलब एक तरह से नुकसान हुआ, क्योंकि आपने तो पूरे 1 किलो टमाटर के पैसे दे करके आए मार्केट में, लेकिन उसमें से 2-3 टमाटर तो हमारे खराब निकल गए, तो नुकसान हुआ। ठीक इसी तरह से हम अपने बिजनेस में भी देखते हैं, जब बिजनेस कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, बहुत सारे सामान, बहुत सारी चीजें हम जो खर्च करते हैं उसमें कुछ खर्चे ऐसे हो जाते होते हैं कि जिसका हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल पाता, जो हमारा नुकसान हो जाता है, तो उसे हम लोग लॉस के रूप में देखते हैं। और ये लॉस भी आप ही को मिलता है, यानी कि आप ही के बिजनेस के हिस्से ही आता है, ना कि किसी दूसरे के हिस्से आता है। इसीलिए क्या हो जाता है यहाँ पे, जितने भी खर्चे और लॉसेस हुए वो सारा कुछ क्या हो जाएगा, आपके लिए डेबिट हो जाएगा। और जितने भी इनकम और गेन, यानी कि जो भी आपकी आय और प्राप्ति है, ठीक है दोस्तों, वो सारा कुछ क्रेडिट। अब ये भी सोचो, अब ठीक ये भी बड़ा विचित्र है, कितना अजीब बात है, कितनी अजीब बात है। यहाँ पे कहता क्या है कि जितने भी इनकम और गेन्स होंगे वो क्रेडिट हो जाएगा। इनकम का मतलब तो आय हुआ, अब उसमें क्रेडिट कैसे हो गया? तो मैं आपको बता दूं, जो आप लोग इनकम प्राप्त करते हो या गेन आपको जो भी कुछ मिलता है वो आप ही को मिलता है, ना कि दूसरे को, लेकिन मिलता तो आप ही को, पर वो आप दूसरे के लिए ऊपर ही खर्च करते हो, दूसरे के लिए ही उसका इस्तेमाल करते हो। जैसा बिजनेस है, बिजनेस में आप जो भी आपको इनकम हो रहा है, ठीक है, आपकी आय हो रही, उससे आप अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाते हो, ठीक है, उसी से आप खर्चे कर पाते हो, ठीक है, उसी से आप कुछ ना कुछ नया चीज, नए कस्टमर्स, नए रिलेशनशिप बनाते हो जिससे कि आपके बिजनेस और आगे बढ़ा सके। तो ये क्या हो गया, ये सब आपके लिए तरह से क्रेडिट ही तो हुआ। अगर देखा जाए तो बिजनेस के रूप में इनकम और गेन वो हमेशा क्रेडिट ही होता है, इसी वजह से इसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट में रखते हैं और नॉमिनल अकाउंट में ये हमेशा क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग को ये अच्छे से समझ में नहीं आया तो फिर इसको आप इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ समझिए। अब जैसा कहता क्या है कि राजू नाम का एक व्यक्ति है जिसने अपने मकान मालिक को 2,000 रुपए कैश में किराया चुकाया, यानी कि राजू पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड ₹2,000 बाय कैश। मतलब ये कि राजू ने अपने मकान मालिक को किराया दिया। अब रेंट यहाँ पे देख सकते हैं, रेंट मतलब किराया, किराया क्या हुआ आपके लिए, एक तरह की सर्विस हो गई, ठीक है, आप उसके जगह का इस्तेमाल करो तो ये आपके लिए सर्विस हो गई। अब जब सर्विस है तो उसका कुछ ना कुछ तो भुगतान करना पड़ेगा ना, तो आपने कैश चुकाया उसके बदले, है कि नहीं। रेंट अगर देखा जाए तो जो इंसान की किराया चुका रहा है उसके लिए तो खर्चा हो गया, लेकिन जो इंसान किराया प्राप्त कर रहा है उसके लिए तो इनकम हो गया। अब आप देख सकते हो एक ही बात के दो मतलब, जहां एक के लिए इनकम हो रहा वहीं दूसरे के लिए खर्चा हो रहा है कि नहीं। इसीलिए हम लोग इसे बिजनेस के रूप में देखते हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, इसीलिए एक जगह ये सारे सारे डेबिट होते हैं तो दूसरी जगह आपके लिए ये क्रेडिट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आज के आपको इस लेक्चर में आपके जो बेहद जरूरी इंफॉर्मेशन और जानकारियां हैं वो आप लोग को अच्छे से मिल गई हो, ठीक है। बाकी के इसके कंटेंट्स में आपको इसके अगले लेक्चर में बताऊंगी, और जो भी कुछ आपको ये बताया गया है यहाँ पे आपके तीनों टाइप के अकाउंट्स, ये बहुत खास बहुत जरूरी, इसी अकाउंट्स, इन्हीं तीनों अकाउंट्स, इनके रोल के ही बेसिस पे आपका पूरा का पूरा टैली ERP 9 अच्छे से रन करता है। इतनी जानकारी अगर आपके पास हो तो फिर आपको अकाउंट्स में या टैली ERP 9 में काम करने में कोई दिक्कत, कोई कठिनाई नहीं आएगी।
थैंक यू फ्रेंड्स। अब बाकी की जानकारी मैं आपको बाकी की खास बातें और बहुत इंटरेस्टिंग बातें जो आपके लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है वो मैं आपको अपने अगले लेक्चर में बताऊंगी।